नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सी राजेंद्र अरोड़ा है और आज जो हम बात करेंगे वो GSTR 9, 18, 19 के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले 17, 18 की अगर आपने GSTR 9 फाइल नहीं की तो पोर्टल आपको 18, 19 करने नहीं दे रहा। हालांकि 17, 18 की 2 करोड़ रुपए तक की अगर एग्रीगेट टर्नओवर आपका था तो आपको 17, 18 की एनुअल रिटर्न ऑप्शनल थी, लेकिन फिर भी पोर्टल आपको 18, 19 की फाइल करने नहीं दे रहा। दूसरी प्रॉब्लम टेबल नंबर 4 और 6 में है। आपने 17, 18 का इनपुट 18, 19 में दिखाया, 17, 18 का आउटवर्ड सप्लाई 18, 19 में दिखाया, तो ऑटो पॉपुलेट होकर टेबल नंबर 4 में सारा का सारा टेबल नंबर 9 में आउटवर्ड सप्लाई और टेबल नंबर 4 में आउटवर्ड सप्लाई और टेबल नंबर 9 में टैक्स एज इट इज 17, 18 वाला भी 18, 19 में आ रहा है। टेबल नंबर 6 में इनपुट टैक्स क्रेडिट भी 6A में 17, 18 वाला जो 18, 19 में आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है वो भी आ रहा है। मेरा आपको सजेशन उसके लिए ये है कि जो भी 18, 19 का आपका साउट सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई और जो भी 18, 19 का आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसी को आप यूज करें। अगली प्रॉब्लम एक ट्रांजिशन क्रेडिट की प्रॉब्लम है कि ट्रांजिशन क्रेडिट ऑटो पॉपुलेट होकर आ रहा है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि 18, 19 में तो कोई ट्रांजिशन क्रेडिट का कोई लेना देना नहीं है, आप उसको जीरो कर दें। रेड फ्लैग आ रहा है, आने दीजिए, एज इट इज जाने दीजिए। उससे अगला सिचुएशन जो है वो है कि 10, 11, 12, 13 टेबल्स का क्या करना है। वहां पर लिखा है 17, 18, ओरिजिनली ये लिखा है 17, 18 का डाटा 18, 19 में जो दिखाया, लेकिन यहां पर होना चाहिए 18, 19 का डाटा जो 19, 20 में दिखाया, तो या तो उसको अमेंड किया जाए या फिर हम फिलहाल अज्यूम करें कि वो 18, 19 और 19, 20 की बात करता है। उसके बाद जो टेबल सारे ऑप्शनल है वो ऑप्शनल रहेंगे। टेबल नंबर 6 में आपको बाइफिकेशन सिर्फ इनपुट में देना है, टेबल नंबर 7 में सिर्फ अदर रिवर्सल में सारे रिवर्सल दिखा देने हैं, 17, 18 HSN वाइज आपका ऑप्शनल है, तो बाकी 17, 18 में जो भी ऑप्शनल थे वो 18, 19 में भी ऑप्शनल रहेंगे। ये एक छोटा सा कैप्सूल मैंने आपके लिए सोचा, जो सरकार को भी मैं कहना चाहता हूं जो प्रॉब्लम्स हमारा जो ट्रेड इंडस्ट्री फेस कर रहा है उसको सॉल्व करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।